बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह को नौटंकीबाज बताते हुए कहा कि बेंगलुरु में ठहरे विधायक उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बागी विधायकों के भाजपा के संपर्क में होने की बात कही। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में इतनी खलबली हो और बयानों के बाहुबली कहे जाने वाले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों से प्रहार ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जी हां, सियासी संकट के बीच हो रही ताबड़तोड़ नियुक्ति पर कैलाश विजयवर्गीय ने जमकर निशाना साधा। देखिए, ये तो बाल हट, राज हट सब दिख रही है इसमें। मैं समझता हूँ कि महामहिम राज्यपाल ने अध्यक्ष जी को निर्देश दिए, उसका पालन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। फिर कमलनाथ जी कह रहे हैं उनके पास कि बहुमत है, तो फिर धड़ाधड़ ट्रांसफ़र, लाइन ऑर्डर क्यों चल रहा है कि लाओ और ऑर्डर ले जाओ। वहाँ तो लाइन लगी, लोग पैसे लेके दे रहे हैं और ऑर्डर करा रहे हैं अपना। तो कुल मिलाकर जाने वाली सरकार है तो लाइन ऑर्डर में लगी हुई, जितने पैसे जाते जाते ले जाएं। मैं समझता हूँ कि 16 महीने की सरकार में जितने पदों का भी आवंटन किया गया, जितने प्रमोशन किए गए, जितने प्रस्ताव पारित किए गए, उतने पहले कभी नहीं किए। जाते जाते सरकार जितना समेट सकें, जितना लोगों को मोबिलाइज कर सकें, उसमें लगी हुई। सारे निर्णय जो भी सरकार बनेगी, जो मुख्यमंत्री होगा, सबसे पहला आदेश यही देगा कि पिछले 6 महीने के सरकार के आदेशों की समीक्षा करेंगे और तब तक कोई निर्णय लागू नहीं होगा। इसलिए भले कमलनाथ जी कितना भी कर जाए, पर जो लोग लाभ प्राप्त करने के लिए उनके दरवाजे पर अटैची लेके खड़े, उनको भी लाभ नहीं। वहीं बेंगलुरु में दिग्विजय सिंह के अनशन को कैलाश ने ड्रामा और नौटंकी करार देते हुए कहा कि बागी विधायक दिग्विजय का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं विधायक। मेरे को 2-4 विधायकों से बात हुई, बोले यार झगड़े की जड़ तो यही है बस, तो वो तो खाली नौटंकी करने गए, कैसे भी मीडिया में आए, कोर्ट को प्रभावित कर सकें, इसे स्टंट करते रहते हैं। तो स्टंट बाज लेता है वो, तो सब जानते हैं, दुनिया जानती है, कमलनाथ जी भी जानते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी जानते हैं कि वो अल्पमत में है। पर जब तक नाटक कर सकें और जब तक फावड़ा लेके जितना खींच सके खींचने में लगे हुए। साथ ही साथ विजयवर्गीय ने सिंधिया समर्थक विधायकों के भाजपा के संपर्क में होने का भी दावा किया। नहीं, वो निश्चित रूप से हम लोगों के संपर्क में हैं, अब चूँकि वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि उनके लीडर सिंधिया जी हमारे साथ है तो वो भी हमारे साथ। कुल मिलाकर दिग्विजय और कमलनाथ पर कैलाश विजयवर्गीय ने जमकर जुबानी हमले किए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।